दोस्तों ये है बजाज की पल्सर 150। पिछली वीडियो में मैंने इसकी जमकर तारीफ़ की थी और मैंने 6 ऐसे पॉइंट्स आपको बताए थे जो इस बाइक में बहुत काबिले तारीफ़ हैं और इस बाइक को बहुत बेहतर बनाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं 6 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो इस बाइक में मुझे कमियाँ लगती हैं। और देखिए, कुछ पॉइंट्स मेरे पर्सनल हैं और कुछ पॉइंट्स आपके ही यूजर बेसिस पे मैंने बता रखे हैं। अब कुछ भाई लोग आकर कमेंट में करते हैं कि भैया आपको नहीं पता, आप बेवजह बता रहे हो, मेरी पल्सर ऐसी नहीं है। तो मेरे भाई लोग, पिछले 6 साल से मैं कंटिन्यू बाइक्स पर ही वीडियो बना रहा हूँ। नो डाउट कि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है और जो यूज़र रिव्यूज़ आते हैं उसी के आधार पर ये पॉइंट्स तैयार किए जाते हैं। तो आप बेफिक्र रहें, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा, आपको अच्छी चीज़ें ही बताऊँगा। चलिए, पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो हैज़ बिकम प्रीटी प्राइजी टुडे। मेरे इस पॉइंट को अगर कोई भी कवर करना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब आप बताइए कि इसकी जो डुअल डिस्क वेरिएंट आता है, मतलब जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क लगे हैं, जिसे टॉप मॉडल भी कहते हैं, उसकी एक्सोरूम प्राइस 1,15,000 रुपये है। और मैं बोलूँगा कि आप वही वाला लीजिए, क्योंकि डुअल डिस्क रहता है तो कॉन्फिडेंस अच्छा आता है ब्रेक में। तो 1,15,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस है और वो ऑन रोड आपको पड़ेगी लगभग 1,30,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में, अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो। तो अब आप ही बताइए कि लगभग 1,40,000 तक पहुंच जा रहा है इसका ऑन रोड प्राइस। यार, पल्सर 150 सीसी इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जितने भी फीचर्स इसमें मिलते हैं, जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, उस हिसाब से इसकी कीमत 10,000 रुपये कम की जा सकती है कंपनी अगर चाहे। लेकिन कंपनी बहती गंगा में अपना भी हाथ धो रही है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं, ये आप कमेंट में बताइएगा। अगला पॉइंट है इसका पल्सर 125। देखिए, पल्सर 125 सीसी आती है, जो कि पल्सर 150 इसी की तरह हूबहू दिखती है। अब कंपनी ने तो लॉन्च किया क्योंकि उनको अपनी सेल बढ़ानी है, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान पल्सर 150 सीसी को ही हो रहा है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि यार 10-15,000-20,000 रुपये बचा लो, पल्सर 125 सीसी ही ले लेते हैं, दिखती तो हूबहू उसी की तरह है, हल्का फुल्का बस पावर कम है। और इसी के चक्कर में पल्सर 150 सीसी की सेलिंग में गिरावट देखने को मिल रही है। तो भैया, ये इसका डिसएडवांटेज है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ, वह फिट एंड फिनिश हैज़ बिकम कम्प्रोमाइज्ड। अब देखिए, क्या है ना कि पल्सर 150 सीसी अपनी मजबूत बॉडी फिटनेस, अपनी मजबूत परफॉर्मेंस, अपनी जो है लुभावना, जो इसका पूरा लुक है, डिज़ाइन है, उसकी वजह से ना बहुत फेमस है। इसका जो आइकॉनिक डिज़ाइन है वो यंगस्टर को बहुत पसंद आता है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में देते हुए कंपनी ने पैसा कमाने के चक्कर में भैया बहुत कंप्रोमाइज़ कर दिया है। इसके पार्ट्स की जो क्वालिटी है ना, वो पहले से बहुत डाउन हो गई है। फाइबर की क्वालिटी को भी कंपनी ने डिक्रीज़ किया है। तो यार, ये कहीं ना मैं कहना चाहता हूँ बजाज वालों से कि यार, पल्सर 150 सीसी एक आइकॉनिक बाइक है, तो प्लीज़ इसके जो पार्ट्स हैं, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, उससे कोई कंप्रोमाइज़ मत करिए यार, ठीक है? लोग दिल पे लेंगे इस चीज़ को। अगली चीज़ मैं बताता हूँ, वो है हाई टर्निंग रेडियस। अब देखिए, इस बाइक का जो टर्निंग रेडियस है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर 20 फीट की रोड होती है ना, उस पर भी अगर इसको पूरा अगर मुड़ाना होना, तो मतलब एक बार सोचना पड़ता है। तो टर्निंग रेडियस इसका मुझे ज़्यादा लगता है। इस समस्या से कितने लोग परेशान हैं, कमेंट करें। अगली चीज़ मैं बताता हूँ, वो है रियर सस्पेंशन कुड बी बेटर ऑन रफ रोड्स। देखिए, इसका जो आगे वाला सस्पेंशन है, जो कि आपको टेलीस्कोपिक मिलता है, वो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी रोड्स पे वो परफेक्ट चलता है। लेकिन जो पीछे का सस्पेंशन है ना, वो रफ रोड पे ना आपको यकीन दिलाएगा कि यार, इसे और बेहतर किया जा सकता है, इसे और सॉफ्ट भी किया जा सकता है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ, वो है नो LED लाइट्स एज NS125 NS160। कंपनी ने इसमें मॉडर्न फीचर तो ऐड किए हैं, जैसे कि फुली डिजिटल मीटर कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। लेकिन जो एक और मॉडर्न फीचर है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो है LED हेडलाइट, जिसको अभी तक कंपनी ने इस बाइक में इंस्टॉल नहीं किया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, ये अब इसका डिसएडवांटेज बनेगा, क्योंकि आजकल 100 सीसी या फिर 100 से कम सीसी बाइकों में भी LED हेडलाइट्स आ चुकी हैं, और ये तो 150 सीसी एक आइकॉनिक मॉडल है, एक आइकॉनिक डिज़ाइन, एक आइकॉनिक बाइक है। तो यार, कंपनी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ यहाँ पे भी कर रही है। अब देखिए, यही 6 पॉइंट्स हैं। अगर इन 6 पॉइंट्स से अगर आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आप लेने से पहले टेस्ट राइड लीजिएगा। 100 इस प्राइस में आपको और भी बाइक्स मिल जाएंगी, उनके बारे में भी सोचिएगा, फिर आप इस बाइक के बारे में जा सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या पल्सर 150 सीसी 2024 में लेनी चाहिए, तो इसकी जस्ट अगली वीडियो में मैं एक कंक्लूजन वीडियो इसकी लेकर आ रहा हूँ, जिसमें इसके अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट्स एक साथ कवर करेंगे और लास्ट में अपना ओपिनियन बताएंगे। ऊपर आई बटन को चेक करिएगा, उसमें आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। कल फिर से मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा।